मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे गाजर और मूली रखी थी ना, कहाँ गई? भाभी वो तो हम खा गए। क्या अजगर की तरह निकल गया तो गाजर मूली? नहीं भाभी, अजगर की तरह नहीं निकले, चबा चबा कर खा गए। लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी कल ही बाबूजी ने हमसे कहा था कि जब बाजार जाओ गाजर और मूली लेने से पहले ना खा कर देखना चाहिए, स्वादिष्ट हो तभी लेना चाहिए। अरे बेवकूफ बेटा, बाबूजी का मतलब था खा के मतलब चख कर देखना, और तू तो पूरी गाजर मूली चट कर गया। मेंढू आप जरा ये करेला खा के देखो, खा। कैसा है बताओ? क्या हुआ मेंढू? भाभी ये करेला कड़वा है, स्वादिष्ट नहीं है, इसे मत लेना। भाई अरे अरे इनको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। अरे इनके चोट लग गया भाई, कोई रिक्शा बुलाओ। अरे भाई साहब यहाँ तो ना कोई गाड़ी दिख रही है ना रिक्शा। लेकिन भाभी स्कूटर तो है। संभल के। इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आप स्कूटर चलाओ, मैं पीछे ने पकड़ के बैठता हूँ। अरे भाई साहब इसे स्कूटर, हॉस्पिटल का वक्त नहीं है, चलिए जल्दी से स्कूटर भगा लो। चलो जल्दी चलो। हेमा काली पहाड़ी, मीनू को गाड़ी चलानी आती है, कमाल है। अबे, ओए, ओए रोक ले, ओए। अरे क्या कर रही है? 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 स्कूटर चला रही है या घोड़ा दौड़ा रही है? और राबती मेरा लगभग ऑलमोस्ट साड़ी जान बच गई और बिना कोई पार्ट डैमेज हुए। लेकिन मैडम नुकसान कर दिया मेरा, कौन मार के देगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। चिड़िया कार वालों को फोन करना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ जी घोटक गोमुख। अरे भैया आराम से चलाओ। अरे 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 भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे आपको स्कूटर चलानी आती है कि नहीं? हाँ आती है, कभी भैया ने हमें सिखाया था कि स्कूटर कैसे चलाते हैं, लेकिन पहली बार चला रहे। अरे भगवान अब तो तू ही बचाना। डरिए मत अंकल जी, हम भैया को बचाएंगे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अबे पागल है क्या? नुकसान करके चला गया, मेरा गुबर है, मेरे पैसे भी नहीं एक बात बताइए, मेरा 400 रुपए का नुकसान हुआ है, वो कौन देगा? मेरा 600 रुपया हुआ और 300 मेरा भी नुकसान हुआ है, वो कौन देगा? ठांड रखो ठांड, ओए लाख वक्त आलमोस्ट, लड़के के घर वालों को आ जाने दो, फिर रिश्ता पक्का कर लेना। क्या मेरा मतलब कि अपने अपने नुकसान की बात कर लेना। नहीं नहीं, 600 मेरे 600 मेरा सर मत खाओ, नुकसान करने वाले के लाख वक्त आलमोस्ट प्रालोग आगे जाके बात कर लो। चलो भाई चलो। भाई साहब, भाई साहब देखिए, मैं फ्रूट वाला हूँ, मेरा 400 रुपए का नुकसान हुआ है, आपको भरना पड़ेगा। मेरा 600 रुपए का हुआ है और मेरा 300 रुपए का हुआ है। पैसा दो मुझे, मुझे पैसा निकालो, आपको पैसा देना पड़ेगा। अरे भाई साहब चेन खींचिए, चेन खींचिए। भाई साहब फुल स्टॉप, अरे पहले बात को समझने तो दो। नागिन तुम रैकेट खोलो। डॉट डॉट डॉट। हाँ जी, वो एक आदमी ना यहाँ स्कूटर से स्लिप हो गया, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो अपना मेंढो उसी के स्कूटर पे उसको हॉस्पिटल लेके गया। मेंढक स्कूटर चलाना था। डॉट डॉट डॉट। गोमुखपुरा मैं बताता हूँ, मेंढक स्कूटर चला रहा था क्योंकि उसे एक बंदे को फौरन अस्पताल पहुंचाना था और उस एक बंदे की जान बचाने के चक्कर में उसने कईयों की जान को खतरे तक डेंजर विच डाल दी। अरे ये आ गया, देख उतर उतर। अबे तुझे किसने कहा था स्कूटर चलाने के लिए? हम क्या करते भैया, जिन भैया को चोट लगी थी ना, उन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। हाँ तो उसको अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में सबको अस्पताल पहुंचाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। गधा। गधा नहीं भैया, मेंढक। चुप कर, फुल स्टॉप। ये तो बच्चा है, तुम तो बड़ी हो ना। डॉट 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 डॉट। तुमको मालूम है इसको स्कूटर चलाना नहीं आता है, तुमने इसको रोका क्यों नहीं, फुल स्टॉप क्यों नहीं किया? अरे नागिन तुझे इसके साथ इसलिए भेजा था ताकि तू इसका ख्याल रख सके। क्या कर क्या रही थी तू? किस-किस कर रही होगी? गलती हो गई, वो मुझे घबराहट में कुछ सूझा ही नहीं। नागिन ऐसी चीजों में लापरवाही नहीं बरतते। अरे ये तो है बेवकूफ, लेकिन तू तो समझदार है ना। अरे अजीब आदमी आप दोनों, इसने किसी की जान बचाई है और आप इसे बेवकूफ बोल रहे हैं। अरे इन्होंने कोशिश तो की, इसने ये कहकर हाथ खड़े नहीं किए कि मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता। इसके साहस के कारण एक आदमी की जान बच गई है, वरना आज कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आप इसे ही बेवकूफ बोल रहे हैं। वाह अजीब आदमी आप लोग। अरे पैसे कौन देगा? नुकसान हुआ है, बिल्कुल पैसा चाहिए। एक मिनट एक मिनट, चोपड़ा साहब इनका जितना भी नुकसान हुआ है आप लिख लीजिए, हम कल आकर दे देंगे आपको। हाँ आ जाओ, साइड में आ जाओ सारे। चोपड़ा साहब से वसूल कर पैसे, हम लोग पैसे। अबे गोमुख तू कहाँ खो गया मेरे भाई? भैया वो आदमी ठीक कह रहा था, फुल ठीक, मतलब फुल स्टॉप। मानना पड़ेगा मेंढक के आत्मविश्वास को। डॉट 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 डॉट। हाँ काम तो इसने ट्रेन चलाने से कम नहीं किया है। भैया इसको कहते हैं आत्मविश्वास, फुल स्टॉप। भैया आत्मविश्वास से मुझे बाबूजी की कही हुई एक बात याद आ गई। डॉट 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 डॉट। मैं क्लास में नहीं बैठूंगा। भैया चुप। आत्मविश्वास। हरिओम। बाबूजी शास्त्री जी के साथ गए भैया? लाल बहादुर शास्त्री। अरे लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं, बाबूजी के दोस्त शास्त्री जी, फुल स्टॉप। बाबूजी उनके साथ गए तो आज की क्लास मैं लूंगा। डॉट 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 डॉट। तो आज की कहावत है, अगर मन में है विश्वास तो जग देगा तुम्हारा साथ। क्या समझे इस कहावत से? क्वेश्चन मार्क। जी मछली का बालकनी में आने का टाइम हो गया यार। अगर मैं क्लास छोड़ के जाऊंगा तो भैया गुस्सा हो जाएंगे। तू एक काम कर, तू छत पे जा और तुझे अगर मछली बालकनी में दिखे ना तो तू मुझे इशारा कर देना, मैं कुछ बहाना बना के आ जाऊंगा, ठीक है? जा 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 भैया, हम आपको इशारा कैसे करेंगे? सीटी मार देना, मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू सर, हरिओम। सॉरी बच्चों, मेंढक कहाँ गया? वो भैया मैंने उसे पानी लाने भेजा है। मेंढक को कपी अपना काम खुद करना चाहिए, फुल स्टॉप। बाबूजी कहते हैं। भैया आप इस कहावत का मतलब समझा रहे थे ना? हाँ, तो इस कहावत का मतलब है, अगर आपके मन में विश्वास है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। कुछ भी कर सकते हैं? हाँ। अब देखो, मेंढक को मालूम था कि उसको स्कूटर चलाना नहीं आता, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि वो स्कूटर चला लेगा। उसने चला लिया। डॉट 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 डॉट। हालांकि उसने जो भी किया गलत किया, कोई दुर्घटना हो सकती थी। डॉट 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 डॉट। लेकिन बेटा जरूरत ही ऐसी थी, किसी को अस्पताल पहुंचाना, तो ऐसे में मेंढक का विश्वास काम आया। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। तो कुल जमा बात ये हुई कि अगर आपके मन में विश्वास है तो पूरी दुनिया आपका साथ देने चली आती, फुल दुनिया, फुल स्टॉप। और भैया अगर हमारे मन में विश्वास ना हो तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे 8 महीने पहले का मुहावरा। डॉट 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 डॉट। अरे भैया क्या है? सॉरी। तो क्या पूछ रहा था तू? कि अगर हमारे मन में विश्वास ना हो तो क्या होगा? हाँ, अगर हमारे मन में विश्वास ना हो तो दुनिया तो क्या, हमारा खुद का शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन, समझे? हाँ। हरिओम। क्या हुआ? ये सिटी, अबे ये मेरे सर पे सिटी क्यों मारी? भैया आपने तो कहा था अगर मछली बालकनी में होगी तो सीटी मार देना, तो हमने सीटी मार दी। आजा भैया। मेरा सर भी फोड़ दिया और सबको बता भी दिया। तो भैया हाँ हाँ जा, लेकिन ज्यादा टेंशन टाइट मत करना। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अरे ओ हाँ, तो कौन कौन नहीं समझा? अरे ओ बेटे की तरफ दिया ना। मेरे मेंढक, मछली तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गई? भैया अभी तो यही थी, लगता है अंदर चली गई। अरे यार आज तो टेंशन टाइट की हाइट है, अब उसे दोबारा वापस कैसे बुलाएंगे यार? भैया हम अभी आवाज लगा देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसे में बालू के आने का खतरा है। मेंढक, वो तू स्टील का ग्लास देख रहा है ना, हम उस पे निशाना मारेंगे। जब उस पे निशाना मारेंगे तब वो गिरेगा, जब गिरेगा तब आवाज आएगी, और आवाज सुन के मछली बाहर आएगी। हमें भी एक दो। इतना सा रह गया यार। कभी भैया लाइए, मैं निशाना लगाऊंगी। लीजिए भाभी, आपसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, लाइए ना। भाभी इतनी दूर से उस स्टील के ग्लास में निशाना लगाना आपके बस की बात नहीं। कपी भैया, मैं 1 किलोमीटर की दूरी से सपेरे की बीन पे निशाना लगाती थी और पता है बीन बांसुरी बन जाती थी। आपको क्या पता, लाई दीजिए मैं लगाती हूँ। भाभी वो जमाने गए, बहुत साल हो गए आपको बंदूक उठाए हुए। आपसे निशाना नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो ट्राई करने में क्या जाता है, जाइए मैं लगाती हूँ। अरे दीजिए ना, अब देखेगा कैसे एक बार में निशाना लगाती हूँ। जय मां काली पाड़ी। टेंशन टाइट। अरे ये क्या कर दिया आपने? मछली तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हम गोलक थे, हमको लगता था कि तुम सुधर गई, पर तुम नहीं सुधरेगी, तुम बोंदर की बोंदर ही रहेगी। सुधरेगी नहीं, सुधरेगा। बात नहीं करो हमसे। शौकल नहीं दिखाना अपनी। सुनो तो, खोटा में जाओ। सॉरी सॉरी, टेंशन डाइट आपने, हो गई तसल्ली आपको। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपसे निशाना नहीं लगेगा, नहीं होगा आपसे, लेकिन आपने टेंशन टाइट को टेंशन फाइट में बदल दिया। वाह, क्या हो गया मेरे विश्वास को? मैं इतनी पास से निशाना नहीं लगा पाई। नागिन, गिल्लू को दवाई दे दी? बस दीदी अभी देने जा रही हूँ। एक मिनट नागिन, जरा दवाई दिखा। तो ये दवाई देने वाली थी गिल्लू को? दीदी अभी आप ही ने तो बोला गिल्लू को दवा देनी है। पागल, ये बाबूजी की दवाई है। सॉरी दीदी, वो दोनों दवा का रंग ना लाल है। तू पढ़ी लिखी है ना, तू एजुकेटेड होकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? हाँ, और हमेशा दवाई का नाम पढ़कर ही किसी को दी जाती है, इतना तो तुझे पता होना चाहिए। अगर ये दवाई गिल्लू पी लेता और उसे कुछ हो जाता तो? मुझे लगा तू अपनी जिम्मेदारी समझती है। बाबूजी, बाबूजी, अरे मिठू जी, अजी आइए ना, आइए आइए। नमस्कार। आप बाबूजी? बाबूजी किसी काम से बाहर गए। अरे बाबा, रॉन्ग टाइमिंग। क्या? हमारा मतलब है कि बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, तुम हो ना, हम तुम्हारे साथ बात करेगा। और वैसे भी हमें बहुत जरूरी बात करना है। हाँ हाँ बात करते, आइए अंदर आराम से बैठकर बात करते हैं। अच्छा, और सुन नागिन, मिठू जी के लिए चाय ले जल्दी। अरे सुनो तो जी, दूध जरा अलग से लेके आना। वो क्या है ना, हमको जो चाय है ना उसमें दूध ऊपर से डाल के पीने का हैबिट है। अरे नहीं नहीं मिठू जी, अभी मैं कलकत्ता घूमने कैसे आ सकती हूँ? अरे ठंड के मौसम में ही तो कलकत्ता घूमने का मजा है। हम तो कुछ दिनों के लिए जरूर जाएगा। हमें लगा कि अगर तुम भी जाएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो मुझे भी बहुत लगेगा मिठू जी, लेकिन बात यह है कि गज, गिल्लू, चीटी, इनके स्कूल है, फिर इनका ऑफिस है, और घर के इतने सारे काम हैं। मयूरी भी नहीं है अभी, तो कोई तो होना चाहिए ना घर पे इन सब चीजों का ख्याल रखने के लिए। अरे तो ख्याल रखने के लिए नागिन है तो? हाँ नागिन, नागिन है, पर नागिन हाथ बटाने के लिए ठीक है, पर घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती मैं। और वैसे भी वो ये सारी जिम्मेदारियां उठा नहीं पाएगी अकेले। अच्छा अब पर क्यों नहीं उठा सकती? नागिन तुम्हारी फैमिली में इतने सालों से है, तो क्या वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता? ऐसे कोई बात नहीं है मिठू जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी चीज के लिए आपका मन नहीं मानता और फिर कभी कभी उससे ऐसी गलती हो जाती है कि मेरा भी बहुत मन है आपके साथ आने का, लेकिन नागिन के भरोसे अभी पूरा घर छोड़कर मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ कर। हाँ हाँ अच्छी खाची ना, अब कोई बात नहीं, हम कभी और साथ में घूमने चलेगा। हाँ पक्का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.